So they mentioned that you had a surgery like a breast lump removal. Yeah. Breasts. Ha. So that is what diagnosis it came. They are taking my. The breast. Yeah, no. So breast. No. He's asking like when he's born, so he's not able to take the free. That's all. Okay. And then he just. That's fine. That's just an abscess. Okay. That's a normal lump. Take it. No, no, because I just want to know what is the diagnosis for that. No, okay. You speak Hindi with me. Theek hai, Hindi. Sorry. Take it. ठीक है तो आपको ये जो गमी स्माइल है ये सब सही करना है ना हो जाएगा देखिए साइड दिखाओ अच्छी तरह से स्माइल करो ओके आ बंद करो हाँ नहीं नहीं वो बाद में वो सब निकाल देंगे और इनको सर्जरी में 95% रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ये दांत थोड़ा आगे पीछे है थोड़ा दांत के बीच में गैप है हाँ उसके लिए आप अलाइनर्स या ब्रेसेस लगा सकते हो देखो दिखेगा नहीं जैसे कि आप दिखेगा नहीं लेकिन पहनने से बेटर है आपको ऐसे सर्जरी में नहीं हो पाएगा नहीं दांतों के बीच सर्जरी से नहीं हो पाएगा आपके दांतों के बीच गैप है उसके लिए भी आपको अलाइनर्स या ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे तो मैं आपका फेस सही कर दूंगा स्माइल सही हो जाएगा हाँ वो सही हो जाएगा और ये जो देखो बंद करो लिप्स नहीं लिप्स ये देखो कैसा हो रहा है चिन इसको बोलते हैं मेंटालिस हाइपर एक्टिविटी आप बंद करो कुछ नहीं है मेरा अभी बंद करो बेटा हाँ क्योंकि आपका जो है ये वर्टिकल मैक्सिलर एक्सेस ज्यादा है तो वो जो प्रोपोर्शन है ये आप ही का स्कैन में देख के बता रहा हूँ तो ये दोनों करने पड़ेंगे और उसके बाद अगर आप अलाइनर्स जाते हैं तो दांत का भी परफेक्ट हो सकता है फेस का तो मैं रेडी कर दूंगा सर्जरी में ठीक है ना ओके और वो स्कार्स कहां कुछ नहीं आएगा स्कार्स सब मुंह के अंदर से सर्जरी होगा मुंह के अंदर आएगा ना हमने साइड वीडियो देखा उसको यहां पे ये बोल रहे थे कि यहां पे भी स्कार्स है नहीं आएगा आपको कोई और नहीं स्टिचिंग नहीं आएगा इनको कुछ नहीं आएगा यहां पे कोई और पेशेंट देख रहे हैं हाँ आपको इनको इतना भी निशानी मालूम पड़ेगा आपको कोई बोलेगा भी नहीं कि आपको फेस में हमने हाथ लगाया है तो आप मतलब क्या करोगे कितना करोगे कैसे करोगे तो उसके लिए प्लानिंग स्टार्ट करेंगे अब क्या हो रहा है पहले इसमें हमने देख करके मेजरमेंट करके अपर जॉ में क्या होगा लोअर जॉ में क्या होगा लिप्स में क्या होगा आपका लिप का शेप ऐसा है डाउनवर्ड ऐसा शेप है ये सही होगा ये मेंटालिस एक्टिविटी है ये सही होगा इनकॉम्पिटेंट लिप्स है ये सही होगा गमी स्माइल है ये सही होगा ये चारों मेजर है उसके अलावा ये जो जॉ लाइन है बेटर होगी इनकी अब इनका जॉ लाइन इतना क्लियर नहीं है जॉ लाइन भी बेटर होगा तो ये सारे इसका प्रोसीजर जो होगा मैं आपको लिखूंगा इसका नाम तो मतलब इसका कितना टाइम होगा 3 hours या 4 hours या 2.5 hours वो आपको उसका कॉस्टिंग बताएंगे जैसे ही आप ओके बोलोगे उसके बाद नेक्स्ट स्कैन होगा दांतों का स्कैन होगा फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में वो प्लानिंग करके उसका स्प्लिंट निकलेगा तब जाके मालूम पड़ेगा हाँ ऊपर जॉ को 8 mm लेके जाएंगे ऊपर थोड़ा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ये वो प्लानिंग होगा उसमें मतलब और ये रिकवर कितने टाइम मतलब हो जाएगा वन वीक स्टे हॉस्पिटल सर्जरी के बाद एक हफ्ता में आप वापस जा पाओगे और सर्जरी के बाद मतलब मुझे कितने दिन आईसीयू में रखना पड़ेगा 12 घंटा 8 घंटा बस अगर आज सवेरे आज शाम को सर्जरी होगा नेक्स्ट डे आपको रूम भेज देंगे तो मतलब आईसीयू में मैं रहूंगा तो मैं इनसे मिल पाऊंगा आपको कुछ नहीं होने वाला है एक एक्चुअली क्या है कि अंदर से डर तो है कि कोई डर ही हूं मैं सो मैं देख वही चाहती हूं कि अगर ये सर्जरी हो गई देखो डरने की बात नहीं है सर्जरी के तुरंत बाद
आप ना इनसे इनसे मिल पाओगे, बात कर पाओगे, सब कुछ हो पाएगा। माउथ भी ओपन होगा, क्यों नहीं होगा माउथ ओपनिंग? तो फिर भी माउथ ओपन होगा ना। हाँ माउथ ओपन तो होगा। हम बोलेंगे आपको डाइट में रेस्ट्रिक्शन, मतलब लिक्विड डाइट होगा, लेकिन माउथ ओपन होगा, बात कर पाएंगे, चल पाएंगे, खा पिएंगे, सब कुछ करेंगे। ओनली डाइट का होगा रेस्ट्रिक्शन, और कुछ नहीं होने वाला। और इन फ्यूचर लाइक जैसे आप बोल रहे कि यहां पे कुछ डालते, जैसे हाँ, वीडियो हाँ, में बात की थी, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा? देखो उसका इफेक्ट कुछ नहीं है, बस फॉरेन प्लेट और स्क्रूज रहते हैं अंदर। अगर आपको उससे अनकंफर्टेबल होता है या कोई दिक्कत होता है, बाद में निकलवा सकते हैं, सर्जरी करनी पड़ेगी। जनरली हम निकालते नहीं किसी को, क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं जर्मन टाइटेनियम यूज करते हैं, बेस्ट क्वालिटी, उससे कुछ नहीं होता आपको। कुछ नहीं होगा। चाहती हूँ अगर आप चाहती तो 3 महीने के बाद निकाल सकते हैं। और फिर जैसे सर्जरी हो गया तो मैं चेकअप के लिए फिर नहीं आना पड़ेगा? एक हफ्ते के बाद जब हो गया आप जा सकते हैं, वापस आना नहीं पड़ेगा। आपको आना है तो आप आ सकते हैं, बट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ऐसे ही आना है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट कराना। जनरली क्या होता है पेशेंट्स का, अब आज भी एक लड़की आई थी, उनका जॉ सर्जरी 3 महीने पहले कराया था, वो अभी नोज कराने के लिए आती है। अब कोई और प्रोसीजर आपको, या कोई आपके रिलेशन को दिखाना, ऐसा ऐसा ही लोग आते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि मेरे पास जैसे हम लोग 3 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे के साथ स्टे करना, तो मैं बाहर में तो नहीं आऊंगी, बिल्कुल ही नहीं आऊंगी। मैं चाहती हूं कि पहले टाइमिंग बता दीजिए। कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, इसे कर सकते हैं। आपके पास आने से क्वेश्चंस भूल जाते हैं हम लोग, हम जाते हैं ना, देन वी हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, एंड हम आपको देखते तो क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। अच्छी बात है, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, जल्दी हो जाता है ना कंसल्टेशन। वीडियो कॉल में भी यही हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन थे और मैंने आपका फेस देखा तो पूरे क्वेश्चन भूल गए। आप बोल रहे हो इतना पॉजिटिव कि सब होगा और मेरे अंदर मतलब अंदर बहुत डर है। हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग पहले मिलेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे तो ही हम सर्जरी कराएंगे, अदरवाइज हम लोग स्किप कर देंगे। देखो अगर आपको सर्जरी से पहले डर नहीं है ना, तो आप नॉर्मल इंसान है ही नहीं। ये है रियलिटी, मजाक नहीं। मेरे को भी डर होता है अगर मेरे को सर्जरी होगा। जो इंसान को सर्जरी से डर नहीं है वो नॉर्मल नहीं है। तो आपको डर लगना नॉर्मल बात है, आप ही करोगे। हाँ हाँ, ये मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या होता है कि आपका ही फेस देखा है तो जो ट्रस्ट लेवल होता है वो आप पे ही आता है, अदरवाइज मैं तो वो अनकंसीडर हो जाएगा। तो मैं तो देखो आपको सिर्फ फेस देके नहीं जाना। हाँ। देखो मतलब 25 साल से हम काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वही बोल रहे हैं। हाँ, आई पहले वो हाँ, तो हाँ, एक्सपीरियंस देख के ही आए हम लोग, लेकिन होता ना कनेक्ट इंसान से करता है इंसान, करेक्ट है वो, करेक्ट है। तो जैसे मेरा ये सर्जरी हुआ था तो वो एक मैम थी और वो मतलब एंथेसिया लगाने वाले एक सर थे, तो मैंने वो सर को मैम को ही पकड़ा था और देन मेरा इंजेक्शन लगा और मैं अनकॉन्शियस हुई और फिर पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। और कितने टाइम के बाद आप जगे? आई थिंक 2 आवर्स। तब जागने के बाद आपको कैसे लगा? जागने के बाद मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, मैंने शायद पाइप डाला था अंदर कुछ ऑक्सीजन के लिए। वो जो एक्सपीरियंस आपका रहा ना, ये सर्जरी भी वैसे टू वैसे रहेगा, उससे कम रहेगा आपको प्रॉब्लम, सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें आपको हड्डी तोड़ रहे हैं ये वो, तो ज्यादा दिक्कत ज्यादा दर्द ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इमीडिएटली बोल पाएंगे आप? प्रोसीजर क्या होता है यहां पे, कुछ कटिंग करेंगे? हां हां, कटिंग करके रीफिक्स करेंगे। तो ये जो अपर जो है पूरा साइड से यहां से कटिंग होगा, अंदर से कट करके, कट करके अंदर आपको प्लेट्स लग जाएंगे। क्या बोल रहा है वो? उसको भूख लग रहा है। हाँ, उसको भूख लगी, हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं सुबह। आंटी में क्या हुआ? अब बस बेटा हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। आंटी बोल रहा है कि बोतल वो आप ना बोल रहे हैं। नहीं, आपको बोतल ये रही ना, आपको बोतल आप ही लो। मैं आप बोल रहे थे वो भी ठीक है, मैं डॉक्टर अंदर से कॉन्सल्ट कर लूँगा। ठीक आपको मैंने वीडियो में देखा है, सही आपका नहीं लेंगे मैडम, मैडम ने ध्यान दे नहीं दिया। हम
आपको जो मैं पेशेंट का बिफोर आफ्टर स्कैन दिखा रहा हूँ इतने प्लेट्स नहीं लगेंगे, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कैसा हो रहा है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है आपके अपर जॉ में, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस और हॉरिजॉन्टल मैक्सिलरी एक्सेस। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी हड्डी का लेंथ है ज़्यादा हो जाता है और अपर जॉ का शेप राउंडेड है, लाइक पिरामिड शेप है देखो, तो इसको ये कर्व के अराउंड कट करके नई जगह पे बिठाया जाता है। और जब बिठाते हैं इसको प्लेट्स और स्क्रूज लगते हैं। कैसे प्लेट्स और स्क्रूज लगते हैं हम आपको दिखा रहे हैं एक स्कैन में, और लोअर में भी यही होने वाला है। तो ये जो कहाँ पे लगेंगे प्लेट्स और स्क्रूज, यहाँ पे लगेंगे अंदर, आपको महसूस नहीं होगा, बहुत फाइन रहते हैं, बहुत छोटा फाइन एकदम अंदर, आपको ऐसे ऐसे करोगे तो भी फील नहीं होगा। कोई पेशेंट को फील हो जाता है कभी, बट जनरली फीलिंग भी नहीं होती, इतनी फाइन होती है। और मैं आपको स्कैन में दिखा रहा हूँ कोई और दूसरा पेशेंट का कैसा आपको लगा। तो आपको लगेंगे शायद 6 प्लेट्स और 24 25 26 स्क्रूज अंदर लगेंगे सब कुछ, वही दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे लगेंगे सैंपल के लिए। अब कहाँ पे लगेंगे प्लान करेंगे आपके केस में सेपरेटली, पर उसके लिए दूसरा स्कैन होके जब आप हाँ बोलेंगे तब करेंगे। तो किसी और का जो प्लान करके सर्जरी हुआ है तो उसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी। और एयरपोर्ट पे जो स्कैनिंग वगैरह होता है, आजकल तो एयरपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होता, 20 साल पहले दिक्कत होता था, आजकल तो वो लोग बस सिर्फ आई वाला और इंप्रेशन से चलता है। हाँ। इसमें कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर कुछ हुआ, कुछ इन केस हुआ तो हम ऐसे बता सकते आराम से। होता नहीं, लेकिन होता है। एक हफ्ता में मिनिमम 5-7 करता हूँ सर्जरी ऐसे मिनिमम। तो अगर होता होगा तो अभी आपको लाइन लगता होगा यहाँ पे, 1000 पेशेंट्स को तो करते रहेंगे हम लोग 2-3 साल में, कितने लोग आए रहेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं होता किसी को और सब चले जाते हैं, सब यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ सब जगह। देखो ऐसे लगेंगे आपको प्लेट्स एंड स्क्रू, सैंपल के लिए बता रहा हूँ मैं। इनका 4 हुआ है, 4 और 6, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 16 स्क्रूज और 24 स्क्रूज इसके आसपास लगेगा। बॉडी में कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि वीडियो में क्या होता है हम देखते हैं तो हम उनका कुछ अलग प्रॉब्लम भी हो सकता है। आपका कुछ नहीं, ड्रिप्स कितने दिन तक चढ़ेगा मुझे, लाइक एंटीबायोटिक्स आपको मिलेगा 3-4 दिन। Okay, तो आपको आप ओरल खा सकते हैं लिक्विड सेमी सॉलिड। इंजेक्शन लेने पे मुझे सुबह शाम ऐसा कुछ आना पड़ेगा, तो वो 5 days तक तो आप हॉस्पिटल में रहोगे, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, रिकवरी पे डिपेंड करता है। मोस्टली आपको नहीं पड़ेगा वो, जो बैंडेज निकलने के बाद स्वेलिंग की चांसेस कितने ज्यादा ही होते हैं। तो स्वेलिंग आपको 10 days 2 weeks तक रहेगा। तो मुझे 2 weeks तक क्या-क्या प्रिकॉशन रखने हैं? डाइटिंग, रेस्ट, लिक्विड डाइट, सेमी सॉलिड फूड बस। और मतलब जो मेरा डेली रूटीन काम है वो मैं कर सकती हूं? कर सकते हैं। और ब्लड लॉस वीक में ज्यादा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ब्लड लॉस, बहुत कम होगा ब्लड लॉस। वीकनेस होता है क्योंकि एक तो सर्जरी 2-3 घंटे का रहता है और दूसरा आपको सर्जरी के बाद हम लोग डाइट में डालते हैं, तो इसलिए वीकनेस पेशेंट्स महसूस करते हैं, बट ब्लड लॉस की वजह से नहीं। सर्जरी के बाद मतलब कितने दिनों के बाद मैं क्या खाऊंगी, मतलब लिक्विड पे? तो इनिशियली 2 दिन लिक्विड, उसके बाद सॉफ्ट सॉलिड। मतलब सर्जरी आज हुई है तो मैं लिक्विड कब से स्टार्ट करूंगी? 3 घंटे के बाद। अरे भाई मेरा ये सर्जरी होने वाला ना, डॉक्टर अंकल से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, अंकल आंसर दे रहे हैं बेटा, इसके लिए वेट किया हमने बहुत सर। चलो तो सर अब मतलब एक पर्सनल सजेशन की, जैसे आपने मुझे देखा मेरे को जाना चाहिए सर्जरी के लिए। हाँ, अगर आपको कॉस्मेटिक फेशियल इम्प्रूवमेंट चाहिए तो सर्जरी जाओ, आप बहुत हैप्पी हो जाओगे बाद में, और जितना इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा आप अभी सोच नहीं पाएंगे, इतना इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नोज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरी नोज मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, नोज में तो करने नहीं वाले हम लोग। हाँ, मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा था, किसी किसी को क्या होता है ना, एक बार जॉब अच्छा हो गया तो फिर सोचेंगे और थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर ले। और वन मोर थिंग सर, जैसे कि अभी मुझे ये सर्जरी हो गया, फिर इन केस अगर मैं सेकंड बेबी प्लान करती हूं, वो सब प्लान कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं सर्जरी वगैरह में? नो प्रॉब्लम। ओके
ओके तो आफ्टर दिस ऑपरेशन हमें कब तक सेकंड बेबी प्लान कर सकते हैं कुछ 2 वीक्स 3 वीक्स हां कुछ नहीं है इसका ओके आपको जो एंटीबायोटिक से 10 दिन भी नहीं चलेगा ओके फिर आप प्लान कर सकते हैं इमीडिएटली क्या है नहीं मतलब मुझे ऐसा था कि शायद 1 ईयर बोलो नहीं नहीं क्यों और ये जो एंटीबायोटिक होगा मतलब आप मुझे वहां पे भी दोगे ओरली खाने के लिए टोटली आपको मिलेगा सम 7 डेज 8 डेज 5 डेज डिपेंडिंग ऑन आपका सर्जरी और प्लान जैसे आप हाँ आपको बोलते हैं वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा ये एकदम स्टैंडर्ड रूल नहीं रहता डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी डिपेंडिंग ऑन द हीलिंग किसी किसी को 5 डेज रहता है 10 डेज भी रह जाता है किसी किसी का पर आपको जो आई डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 5 डेज आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आप टेंशन मत लो मेरा तो कोई इश्यूज ही नहीं बस ये है दिस इज द फर्स्ट टाइम सर्जरी ना एक्चुअली क्या है सर आपके लिए कॉमन होगा पर हमारे लिए यही बहुत चीजें हैं हां नहीं 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 कॉमन कॉमन ऐसा है क्योंकि देखो सर्जरी में ना डिफिकल्टी स्केल होता है किसी किसी पेशेंट को मतलब चैलेंजिंग सर्जरीज भी हम करते हैं मैंने वीडियोस काफी दिए तो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये टेंशन की बात नहीं है आपको तो आप रिलैक्स करो क्योंकि आप रिलैक्स करोगे तो आपके लिए भी रिजल्ट बेटर है सब लोग के लिए बेटर है आपसे बात करके तो रिलैक्स लग रहा है लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डॉक्टर हैं आपने कितनी सारी सर्जरी की है दैट इज इजी टू यू नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ बट इसीलिए मैंने बोला जब आप सर्जरी के लिए आ रहे हैं ना तो डर तो रहता है नॉर्मली बट जब आप समझ रहे हैं कि हाँ भैया ये ऐसा प्लानिंग के हिसाब से होगा मैंने एक साल तक आपको फॉलो किया है एंड देन इनका काम भी रोक के मतलब एक वीक तक आया था और स्कूल भी रुका हुआ है तो हम लोग बहुत मतलब ये नहीं कि हमने सोच तुरंत आ गए हमने बहुत सोचा समझा और फिर हम लोग आए और टाइम भी जा रहा है ठीक है डोंट वरी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप आपको एग्जैक्टली बता देंगे डिटेल्स कॉस्टिंग का फिर ब्लड टेस्ट करेंगे फिर ओवरऑल कॉस्टिंग कितना हो पाएगा वो बता देंगे आपको पूरा डिटेल्स अभी ऑन होगा भैया बेटा 5 मिनट में ऑन होने वाला है 5 मिनट में आप थोड़ी देर बैठो अभी ऑन होगा जल्दी तुरंत ऑन होने वाला है इंटरनेट और कोई क्वेश्चन आपको उसे पूछ लो बात चलो सी यू वेलकम नो प्रॉब्लम बेटा हो गया अभी ऑन होने वाला है इंटरनेट आपको अभी ऑन हो रहा है 2 मिनट में ऑन हो रहा है ठीक है इसको भूख लग रही है आई थिंक ही जस्ट हंग्री तो हम कब आएंगे वो उनसे बात करें अभी आप बोल दो एक एक करके आपको स्टार्ट करेंगे फिर प्रोसेस ठीक है ना वेलकम